हरदोई में आरोपी को रस्सी से दोनों हाथ बांधकर की पिटाई। साइकिल चोरी करते वक्त रंगे हाथ पकड़ा गया था, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद के लोनी में एक बाइक पर 6 लड़कों ने बैठकर किया स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन। पुलिस ने बाइक सवार का 19,000 का चालान काटा। अमरोहा में शादी समारोह के दौरान कुछ लड़कों ने कार की सनरूफ खोलकर स्टंट किया, कार के विंडो पर बैठकर उड़ाई नियमों की धज्जियां। लालबाग इलाके का वीडियो वायरल। महोबा में पहली ही बरसात में खुली रेल, प्रशासन के दावों की पोल। रेलवे का अंडर ब्रिज लोगों के लिए बना मुसीबत का सबब, अंडर ब्रिज में ट्रक और कार डूबी। महोबा में बारिश की वजह से भरभरा कर गिरा मकान, मकान गिरने का लाइव वीडियो कैमरे में कैद। चरखारी तहसील के बमहौरी बेलदारन गांव का मामला। महोबा में पहले ही बारिश से जलमग्न हुआ गांव, घरों में पानी भरने से ग्रामीण परेशान। जिला आपदा राहत से मदद की लगाई गुहार। कानपुर में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव। पहली बारिश में नगर निगम के दावे हुए फेल, बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली गुल। झांसी में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब, लोगों का घर से निकलना हुआ दूभर। झांसी शहर से महज 18 किलोमीटर दूर पर है कस्बा बरुआ सागर। कानपुर में बारिश से मिट्टी धंसने से सड़क के किनारे बना मंदिर गहरे नाले में घिरा, बर्रा के जरौली फेज 1 इलाके का मामला। यूपी दिल्ली सहित कई जगहों पर आईटी की टीम का एक्शन। राधा मोहन, पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स, एमराल्ड गार्डन हाउसिंग के प्रमोटर सहित कई ठिकानों पर छापा किया गया और कागजों की खंगाल की जा रही है। उन्नाव में मिर्जा इंटरनेशनल फैक्ट्री में जीएसटी टीम ने छापा मारा, सभी दस्तावेजों की अधिकारी कर रहे हैं जांच। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या दूर करने के दिए निर्देश। कल विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होंगे जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी, जयंत चौधरी ने पहले के कार्यक्रम का हवाला दिया। वाराणसी में मकान का छज्जा गिरने से 3 लोग घायल हुए, आधा दर्जन गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त, सिगरा थाना क्षेत्र के इंग्लिशिया लाइन का मामला। मेरठ में मूर्ति बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग और सिलाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन मदीना कॉलोनी का मामला। कानपुर में पुल में डूबकर बाइक सवार की मौत हो गई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कौशाम्बी में बालू लदे ट्रक और कंटेनर में जोरदार भिड़ंत, केबिन में फंसे 2 लोगों की मौत, रॉन्ग साइड से जा रहा था ट्रक चालक, सैनी थाना इलाके की घटना। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर इंडिगो कार ने घोड़ा बुग्गी में मारी टक्कर, हादसे में घोड़े की हुई मौत, नाराज परिजनों ने हाईवे पर जाम लगाकर किया हंगामा। सीतापुर में 440 वोल्ट का बिजली का तार गिरने से हादसा, करंट लगने से एक महिला की मौत, 5 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी, कोतवाली लहरपुर के ग्राम बसंतीपुर की घटना। फरुखाबाद के लोहिया अस्पताल में समय पर इलाज न मिलने से 2 मासूमों ने तोड़ा दम, जिलाधिकारी ने बनाई जांच कमेटी, जिलाधिकारी ने जांच कमेटी से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बहराइच में नदी में नहाने गए एक ही परिवार के 3 लोगों की डूबकर मौत, बाप बेटे सहित भतीजे की जान गई, मोतीपुर थाना इलाके के गाय घाट की घटना। शाहजहांपुर पुलिस ने 6 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, उनके कब्जे से फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैश और वैगनार कार बरामद किए। शामली में पैसे दोगुना करने का लालच देकर युवक से 2.5 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायबरेली में सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया, पुलिस ने 3 युवतियों, 2 युवक और होटल संचालक को हिरासत में लिया, हरचंदपुर थाना इलाके के डिडौली का मामला। बुलंदशहर पुलिस ने नटवर लाल को किया गिरफ्तार, प्रधानमंत्री आवास दिलाने का झांसा देकर आवेदकों से की ठगी, 57 आवेदकों से लाखों रुपए का ठगने का मामला सामने आया। मैनपुरी में बाल कलाकार की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम घटना का कर रही है मौका मुआयना और पुलिस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। शामली में 2 पुलिसकर्मियों समेत 5 युवकों पर ठगी का आरोप लगा है, पीड़ित ने दर्ज कराया मुकदमा, 2 लोग गिरफ्तार, आरोपी पुलिसकर्मियों को भी एसपी ने किया निलंबन। रायबरेली में लव जिहाद का मामला सामने आया, धर्म बदलकर युवक पर पीड़िता से प्यार के जाल में फंसाकर रेप का आरोप, पीड़िता ने एएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई।
कासगंज के सदर कोतवाली इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो बदमाश पुलिस को गोली लगने से हुआ घायल और फरार, तीन बदमाश की तलाश जारी है। मथुरा पुलिस की अंतरराज्यीय पारदी गैंग के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, सात बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इनमें से चार बदमाश पुलिस की फायरिंग में जख्मी। बदमाशों से हथियार चोरी में काम आने वाले औजार, सोने चांदी के जेवरात और कैश पुलिस ने किया बरामद, चोरी के मुकदमों में वांछित चल रहे थे बदमाश। हरिद्वार में 3 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारी की, इस बार हॉकी, त्रिशूल, लाठी और डंडों पर प्रतिबंध रहेगा, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। नाचला में खाई में गिरी गाड़ी, 8 लोगों की मौत, पुलिस और प्रशासन की टीम घटनास्थल पहुंची, मुनसियारी तहसील के तल्ला जोहर क्षेत्र का मामला। मसूरी में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को लेकर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, दुकानों में निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग पाए जाने पर कार्रवाई हुई। केदारनाथ से लौटते समय यात्रियों का शॉर्टकट रास्ता लेना पड़ा महंगा, अंधेरे में मंदाकिनी नदी किनारे फंसे यात्री, एक यात्री गिरकर हुआ चोट। अमरोहा के हसनपुर में चाय की दुकान में लगी भीषण आग, आग लगने से चाय की दो दुकानें जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने की आशंका। बहराइच में दिव्यांग युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, कैसरगंज थाना इलाके के डनेला गांव का मामला। ग्रेटर नोएडा में चेन स्नैचिंग और लूटपाट करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक को लगी गोली और एक फरार। लखनऊ में बारात में जा रहे दूल्हे की कार डिवाइडर से जा टकराई, ड्राइवर को आई गंभीर चोट, बाल बाल बचा दूल्हा, अलीगंज इलाके की घटना। लखनऊ में दो जगह हुई व्यापारियों से लूट का खुलासा, 7 आरोपियों को लखनऊ पुलिस ने किया गिरफ्तार, 23,55,000 पुलिस ने रिकवर किया। सुल्तानपुर में हत्या के मामले में जेल में बंद दो कैदियों की मौत, 20 दिन पहले हत्या के मामले में जेल भेजे गए थे दोनों कैदी। गाजियाबाद में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, मारपीट में 6 से ज्यादा लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती, वेव सिटी थाना क्षेत्र के डासना इलाके की घटना। पीलीभीत में लापता बेटी बरामद न होने पर आहत पिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, 5 दिन पहले पड़ोसी के रिश्तेदार के साथ नाबालिग बेटी घर से हुई थी लापता। रुद्रप्रयाग में दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की हुई मौत, केदारनाथ यात्रा पर निकले दो युवकों की हादसे में गई जान, दिल्ली से केदारनाथ यात्रा के लिए 18 जून को निकले थे दोनों युवक। फरुखाबाद में टॉर्च की रोशनी में महिला का प्रसव कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, मुख्यमंत्री के कार्यालय ने लिया संज्ञान और मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरविंद कुमार ने चिकित्सा अधीक्षक कायमगंज डॉक्टर सरबर इकबाल सिद्दीकी को भेजा नोटिस। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, किसानों की कई समस्याओं के निस्तारण कराने की मांग की। बस्ती में भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने फिल्म आदि पुरुष का किया विरोध और कहा जो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं ऐसी मूवी को तत्काल रूप से बैन कर देना चाहिए। नोएडा के डेल्टा 3 में बने बिजली घर में लगी आग और आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, आग ने लिया विकराल रूप, अंदर रखा बिजली का सामान जलकर हुआ खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। शाहजहांपुर में दो सहेलियों के बीच समलैंगिक संबंध बनने के बाद एक सहेली को तांत्रिक ने तंत्र मंत्र से लड़का बनाने का लालच देकर गड़ासे से काटी गर्दन और पुलिस ने आरोपी तांत्रिक और उसकी समलैंगिक सहेली को किया गिरफ्तार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।